ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी। दोस्तों, अजब गजब में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ में मेघा। पसीना तो इंसानों और जानवर दोनों को आता है, लेकिन क्या आपने ऐसा सुना है कि किसी मूर्ति को पसीना आया हो? जी हाँ, हिमाचल के चंबा में एक गांव है, इसका नाम है भली। यहाँ पर माता भद्रकाली की एक मूर्ति है। ऐसा कहते हैं कि इस मूर्ति को पसीना आता है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। आम दिनों के मुकाबले नवरात्रि में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। माता भद्रकाली में असीम आस्था रखने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि जो यहाँ पर सच्चे मन से अपनी कोई भी मुराद मांगता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। डलहौजी से करीब 38 किलोमीटर दूर स्वयंभू प्रकट माँ भलेई का मंदिर है। कहा जाता है माता भद्रकाली भलेई भ्राण नामक स्थान पर खुद से प्रकट हुई थी और चंबा के राजा प्रताप सिंह ने माँ भलेई के इस मंदिर का निर्माण कराया। 60 के दशक तक यहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। इसके बाद माँ भलेई की एक अनन्य भक्त दुर्गा को माँ भलेई ने सपने में दर्शन देकर कहा कि सबसे पहले तुम इस मंदिर के दर्शन करोगी, जिसके बाद से अन्य महिलाएं भी मंदिर के दर्शन के लिए आने लगी। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार चोर माँ भलेई की इस प्रतिमा को चुरा कर ले गए थे। चोर जब चौहड़ा नामक जगह पर पहुंचे तो एक चमत्कार हुआ। इस जगह से जब चोर माता की मूर्ति को उठाकर आगे बढ़ते हैं तो वो अंधे हो जाते हैं, और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगता है। इससे डर कर चोरों ने माता की मूर्ति को वहीं पर छोड़ दिया और वो वहां से भाग गए। बाद में पूरे विधि विधान के साथ माता की प्रतिमा को फिर से मंदिर में स्थापित किया गया। आपको बता दें, माता की प्रतिमा 2 फीट ऊंची और काले रंग की है। माना जाता है जब माँ प्रसन्न होती हैं तो इस मूर्ति से पसीना निकलता है। पसीना निकलने का ये अर्थ भी है कि माँ से मांगी गई मुराद पूरी होगी। लोगों का यहाँ तक कहना है कि मंदिर को बनाने के लिए माँ भले ही नहीं चंबा के राजा प्रताप सिंह को धन उपलब्ध करवाया था। हजारों साल पहले बने इस मंदिर की वास्तुकला को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। ये मंदिर कलाकृति का बेजोड़ नमूना है और बहुत खूबसूरत है। भले ही माता की चतुर्भुजी मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है और ये खुद से प्रकट हुई है। माता के बाएं हाथ में खप्पर और दाएं हाथ में त्रिशूल है। मंदिर के मुख्य दरबार पर उड़ीसा के कलाकारों की कारीगरी का शानदार नमूना देखा जा सकता है। आपसे फिर मिलेंगे। अभी के लिए अजब गजब बस इतना ही। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी।